पर्यटन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सहरसा। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प गुच्छ व माला पहनाकर मंत्री महोदय का किया स्वागत। दरअसल सहरसा के विकास भवन में मंत्री की अध्यक्षता में राजस्व संबंधी कार्यों की प्रमंडलीय स्तर की समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने सहरसा पहुँचे हैं। बैठक में भाग लेने के पूर्व माननीय मंत्री ने प्रेस वार्ता कर कोशी प्रमंडल में भू माफिया के खात्मे के लिए कार्यवाही करने के लिए अलावे वर्षों से एक ही जिले व अंचल में पदस्थापित कर्मियों का होगा स्थानांतरण। माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय की माने सहरसा पहुंचने के बाद सैकड़ों लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें से लगभग 300-400 से करीब लोगों ने भू माफिया से हो रही परेशानी के बाबत ही जानकारी दी और यही वजह है कि आज होने वाली प्रमंडलीय बैठक में पहुंचने वाले अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में चर्चा होगी और इस पर नकेल कसने के लिए कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सहरसा में 10 चिन्हित भूमि माफिया का नाम सूची भी उपलब्ध होने एवं सख्त कार्यवाही करने की बात कही। इसके साथ ही वर्षों से एक ही स्थल पर पदस्थापित अधिकारी व कर्मियों की सूची उपलब्ध करवाकर उसके क्रियाकलाप की जानकारी हासिल कर भू माफियाओं से सांठगांठ का पता लगाकर उस पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के संवाददाताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनने का कोई चर्चे नहीं है, वैसे इस तरह की चर्चा होते रहती है क्योंकि इससे कोई खर्चा नहीं है। साथ ही उन्होंने इस तरह की चर्चा से इनकार करते हुए इसे खारिज किया। मंत्री जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनवाएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे? हमारे एनडीए गठबंधन के नेता हैं और नेता हमारे शीर्ष नेतृत्व अगर तय करता है, अगर वो बनते हैं तो मुझे खुशी होगी। हमारे बिहार के लोग अगर देश लेवल पर जाते हैं तो मुझे खुशी होगी। निश्चित रूप से ऐसी कोई चर्चा नहीं है और राजनीति में चर्चा होते रहना चाहिए क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। फिर जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, नीतीश जी कह रहे हैं राजनीति में अगर किसी विषय का चर्चा ही हो तो राजनीति कहलाएगा ही नहीं, चर्चा तो होते रहना चाहिए। चाहे जनगणना पर हो, चाहे राष्ट्रपति बनना हो, चाहे प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे मुख्यमंत्री बनना हो, तो ये निश्चित रूप से चर्चा होते रहना चाहिए और हमारे बिहार के जितने लोग आगे बढ़ेंगे मुझे खुशी होगी। साथ साथ हमारे संगठन के साथी हमारे राम कुमार जी सुपौल जिला के अध्यक्ष जी बैठे हैं मधेपुरा के। जी आपने अभी कहा कि भूमाफियाओं की लिस्ट आई है, कार्रवाई करेंगे, किस तरह की कार्रवाई करेंगे और किस तरह का लिस्ट आपको मिला है, कितने लोगों का मिला? आज कोसी प्रमंडल की बैठक है राजस्व विभाग की, उस बैठक में हमारे कोसी प्रमंडल के सभी DM, सभी SP, कमिश्नर, DIG सभी साथ में रहेंगे और उस बैठक में ADM, DCLR और CO सारे पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। और अभी मैं अपने जब विभागीय बैठक करता हूँ तो 3 लेयर से मैं जांच करता हूँ। एक हमारा है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे सामने बैठ करके, एक हमारा ऑफिस से जो हमारे सेक्रेटरी लेवल के जो पदाधिकारी हैं हर एक ज़िले के, दो दो अंचलों को मैंने जांच करवाया है। वो अंचल वैसे अंचल जांच किए जाते हैं जहाँ पर उनका कार्यकलाप सही नहीं है, निचले पैदान पर हैं। और उसके बाद जब मैं आता हूँ तो अपने तमाम जिले को, किसी भी प्रमंडल के तमाम जितने भी जिले पड़ते हैं, यहाँ 3 जिले हैं, वहाँ के अपने जिला अध्यक्ष के द्वारा, अपने सहयोगी दल के अध्यक्ष के द्वारा सूचना देता हूँ कि कोई भी आम जनता को कोई काम हो तो प्रूफ के साथ, आवेदन के साथ आप मुझसे मिले। उसी सिलसिले में मैं रात 8:30 बजे से लेकर अभी तक लगभग मैं 500 लोगों से मिला हूँ, जिसमें मुझे लगभग 200-300 ऐसे आवेदन आए हैं जिस पर भू माफियाओं का खेल चल रहा है और उसमें पदाधिकारियों का भी संलिप्तता पाया गया है प्रथम दृष्टया से। तो आज बैठक में जांच की जाएगी, उनको देखा जाएगा और उस पर DIG कमिश्नर लेवल पर आदेश दे करके उनको एक उच्च स्तरीय जांच करा करके FIR करा के उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। कितने भू माफियाओं को चिन्हित? अभी तक 10 लोगों का नाम मेरे सामने आया है। सर एक बात और है कि जो जनता दरबार भूमि विवाद निपटारे के लिए सहरसा बिहार जिला ब्यूरो शिव कुमार भगत R9 भारत।